हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों मोस्ट वेलकम करता हूँ। एक बार फिर से उड़ीसा की पावन सरजमी है, यहाँ पर बाबा अखंड मणि का एक मंदिर है बहुत भव्य सा। और हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को चलते हैं दिखाते हैं सांप कौन सा है। दोस्तों कोई बेजुबान घर के अंदर फंसा हुआ है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ये भी सांपों को बचाते हैं, उसे मारते नहीं, क्योंकि यहाँ बाबा का मंदिर भी है। तो आइए एक बार फिर से नजरें जमाए रखिएगा, देखते हैं सांप कौन सा है। प्लीज कम दोस्तों, आप ये देख सकते हैं ये बाथरूम है और इसके अंदर दोस्तों ये कैसा सांप आकर के छिप चुका है। ये लोग दोस्तों यहाँ पर एक फैसला बोलते हैं जिसको नेट बोलते हैं इंग्लिश में। नेट को दोस्तों जाल बोलते हैं, जिसे मछली फंसाया जाता है उसको लगा के ढक दिए हैं कि ये बाहर निकलने ना पाए। दोस्तों ये तो बहुत खतरनाक बेजुबान सांप है और इंसानों के लिए खतरा हमेशा बना रहता है। ये बगल में परिवार रहता है, ये छप्पर है, इसे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे सारे सामान को हटाया जा रहा है और हम धीरे धीरे चलते हैं उस बेजुबान के पास जो बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, तो दोस्तों यह एक ऐसा सांप है हमारे भारत का। इसकी जो नस्ल है वो शायद किंग कोबरा से मिलती जुलती है। इसकी फुंकार बहुत ज्यादा रहती है दोस्तों और ये बहुत ही एक्टिव सांप है और बहुत खतरनाक है। इसके अंदर दोस्तों न्यूरोटॉक्सिक और साइकोटॉक्सिक वेनम जहर पाया जाता है। ये हमारे उड़ीसा के क्षेत्र में और खास करके दोस्तों भद्रक डिस्ट्रिक्ट में ये मिलता है, और भी कहीं पर मिलता होगा डेढ़ साल, मुझे जानकारी इसके बारे में नहीं है। दोस्तों इसके अंदर एक क्वालिटी ये होती है कि इसके साथ जब भी कोई छेड़छाड़ होता है तो इस तरीके से दोस्तों ये पलटी मारता है और खुद को बचने के लिए इंसान को बाइट करने की फिराक में दोस्तों हमेशा ये रहता है। इसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमेशा आने की फिराक में ही रहता है। थोड़ा भी ये शांत रहे आप लोग, ये आप इसकी गर्जनाहट को भी देख सकते हैं दोस्तों। बड़ी खुशी की बात यह होती है दोस्तों कि ये बगैर किसी छेड़छाड़ बगैर किसी दबे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और एक बात यह होती है कि इसको जब हम छेड़ते हैं दोस्तों तो बहुत तेजी से ये बाइट करने की फिराक में खुद के बचाव में ऐसा ये करता है। तो दोस्तों ये हमेशा एक्टिव रहता है। तो बहुत सी सारी चीजें दोस्तों इस तरीके से कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए। ये दोस्तों जल्दी किसी को बाइट तो नहीं करता है, लेकिन खुद के बचाव के लिए दोस्तों इस तरीके से ये बाइट करता रहता है और फिर ये दोस्तों भाग रहा है। इधर बगल में दोस्तों जंगल झाड़ियां हैं, यहीं से ये हो सकता है इसके अंदर आया हो बारिश में, बारिश से बचने के लिए। तो चलिए दोस्तों इंतजार की घड़ी समाप्त होती हुई अब हम इसे बाहर निकालते हैं। दोस्तों इसको हम जब भी छेड़ते हैं दोस्तों ये हमेशा फूंक मारता है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। इसकी उम्र दोस्तों इस समय लगभग 15 वर्ष के आसपास होगी। चलिए हम इसे उठाते हैं दोस्तों, बाहर लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों इसे हम उठाते हैं और बाहर ले जाते हैं। इस वीडियो को देखते दोस्तों आप गलती नहीं कीजिएगा, आप करेंगे तो आपके साथ हादसा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। इस वीडियो को देख के आप पापी नहीं कीजिएगा। दोस्तों इसको हिंदी में चंद्रनाग और इंग्लिश में इसको मोनोस्लेट कोबरा के नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई अभी तो 4.5 फीट के आसपास है, पूरी लंबाई इसकी दोस्तों 6 फीट होती है। और ये किंग कोबरा जैसी फुंकार मारता है,
जब भी दोस्तों ये सांप बाइट करे तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। अंधविश्वास के चक्कर में आने के बाद बहुत सी सारी मौत हमारे देश प्रदेश में दोस्तों अंधविश्वास के कारण होती है। दोस्तों इसके साथ जब भी कोई बदतमीजी होती है तभी किसी को ये बाइट करता है और नहीं तो नहीं करता है। काटने से पहले भी दोस्तों ये वेनम को बाहर की तरफ फेंकता है। दोस्तों इसको पलटू के नाम से भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये दोस्तों पलटता बहुत तेजी से है बाइट करने के लिए। दोस्तों ये बहुत ही समझदार है लेकिन दोस्तों इसके पास 20% का दिमाग भी होता है, बगैर किसी छेड़छाड़ के किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। चलिए इसे हम पैक कर देते हैं। पैक कर दिए, पहले पैक कर दिए था भीतर को। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा, इन बेजवानों को बचाने का हमारा पूरा प्रयास है। भारत के कोने कोने जाकर के दोस्तों अंधविश्वास को दूर करना और इन बेजवानों को बचाना। तो इस तरीके से दोस्तों ये कपड़े का बैग है और इसके अंदर ये बड़े आराम से रह लेगा। दोस्तों अपनी प्रैक्टिस थी डिब्बे में पैक करने की लेकिन इसमें इसे पैक कर दिया गया। चलिए दोस्तों इसे पैक कर दिया और इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। और दोस्तों वीडियो बनाने का एक मकसद है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दूर दूर तक पहुंचाइए। तो बहुत जल्द से जल्द दोस्तों मैं अपने सब्सक्राइबर आप लोगों की नज़रों के सामने पेश करने वाला हूं, दिखाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप भी चैनल को लाइक कर लीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।